उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होने हैं और बसपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने ऐलान किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बसपा अपना समर्थन देगी। मायावती ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती ने बसपा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। वहीं मायावती के इस फैसले से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बसपा के इतिहास को देखें तो दिल्ली के तख्त से मायावती का रवैया नरमी भरा रहा। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सियासी रूप से समझें तो बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करके मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम, दलित और जाट समीकरण को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश की है। साथ ही आगामी चुनाव में भी बीएसपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। सपा सुप्रीमो मायावती के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मायावती का आभार प्रकट किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया, एनडीए का समर्थन करेंगी उपराष्ट्रपति चुनाव में, ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीएसपी ने एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला बसपा का। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। अरमान मलिक हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अरमान, चूंकि अब सभी की निगाहें 6 अगस्त पर उपराष्ट्रपति का चयन होना है, तमाम दल अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं, ऐसे में बसपा ने भी साफ कर दिया, ट्वीट किया मायावती ने और कहा कि हम समर्थन करेंगे एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का। ये बिल्कुल पूजा, ये तो होना ही था, चूंकि अगर हम राष्ट्रपति चुनाव की बात कर ले तो राष्ट्रपति में चुनाव के दौरान ही जो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थी उनका भी समर्थन दिया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो अब जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति अपना उम्मीदवार जगदीप खक्कड़ को उतारा है मैदान में, तो उसका भी समर्थन मायावती ने पुरजोर किया है। आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और इस समर्थन की वजह से लगातार राजनीतिक माहौल गलियारों में इसका चर्चा है और उसको लेकर के बाजार गर्म है। वहीं जो बीजेपी के बड़े नेता है दिग्गज नेता उप मुख्यमंत्री दिग्गज पाठक है, उन्होंने इसका स्वागत किया। इसके अलावा तमाम और भी बहुत सारे ऐसे भाजपा के कद्दावर नेता हैं जिन्होंने मायावती के इस फैसले का स्वागत किया है और उनका हौसला अफजाई करने का कार्य किया है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले पिछले चुनाव में, तो लगातार एनडीए द्वारा जो उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, अगर हम बात कर ले तो लगातार उत्तर प्रदेश से जो विपक्षी अपना पत्ते दांव सब खेल रहे थे वो सारी चीजों में नाकाम साबित हुए और एनडीए के उम्मीदवार को जीत मिली है। चाहे वो पार्टी हो या सपा की अगर हम बात कर ले तो सपा में के भी लगातार लगभग 4 से 5 ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ही अपना उम्मीदवार माना और उन्हें राष्ट्रपति बनाने का काम किया। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें अरमान, तो ये साफ भी होता है कि हमेशा बसपा ने केंद्र सरकार की जो भी उम्मीदवार रहे हैं उनकी तरफ जो है वो नरम रुख ही अपनाती नजर आ रही हैं और यही इस समय भी होता नजर आया। 6 अगस्त को है उपराष्ट्रपति का चुनाव और बसपा ने साफ कर दिया कि वो जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देगी। मायावती ने ट्वीट किया और उसकी जानकारी दी, धनखड़ को समर्थन देने का फैसला। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था बसपा ने। अरमान, इससे पहले सवाल मेरा यही था कि इतिहास के पन्नों को पलटे तो यही देखेंगे कि मायावती यानी बसपा हमेशा नरम रुख अख्तियार करती रही हैं। केंद्र में जो भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, जो भी उनके कैंडिडेट्स रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति को लेकर या उपराष्ट्रपति को लेकर, बसपा का झुकाव हमेशा उस तरफ रहा है।
जी बिल्कुल, शुरू से ही अगर हम देख ले तो लगातार मायावती जो भी चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो केंद्र में या भाजपा की रही हो, हमेशा से मायावती का उधर झुकाव रहा है। और स्वाभाविक है, अभी हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव की बात कर ले तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। उसके बाद जो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ है उनका समर्थन किया है उन्होंने, और इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। और इससे बसपा भी अपनी जो उत्तर प्रदेश की चुनाव की अगर बात करें आने वाले समय में अपना सियासी एक प्याम खड़ा करेगी और सियासी जमीन तलाश करेगी, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती आने वाले चुनाव में पैर पसारेंगी तो उसपे भी उनपे बड़ा उसका एक फायदा होगा, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया और इससे मायावती को भी लाभ होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा राज्य यूपी, लेकिन बसपा की जो हम हालत देख रहे हैं बीते लोकसभा चुनाव से ही गर्त में है इस समय बसपा, उसे ऊपर उठना होगा और इसी रस्साकशी इसी खींचतान के चलते अब लगातार जो बसपा है जो मायावती है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रही हैं, वो हर चीज़ का समर्थन कर रही हैं जो कि उनकी पार्टी की छवि और जो सियासी सोशल इंजीनियरिंग है वो और ज़्यादा मजबूत हो। जी बिल्कुल, मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती लगातार वो ऐसे कार्यों को करते आई हैं जो अगर इनकी पार्टी की बात करें तो मायावती लगातार निचली जाति और मुस्लिम दलित ऐसे जो निचली जातियां हैं उनको लेकर के वो अपनी राजनीति करते आई हैं और उसी से उनका उत्तर प्रदेश में एक प्याम खड़ा हुआ था और उसको लेकर के अब जो वो एक नई राजनीतिक की शुरुआत कर रही है ये स्वाभाविक है। इससे लगातार लोग अंदाज लगा रहे हैं कि आने वाले समय में मायावती उत्तर प्रदेश में पैर पसारने का पूरा प्रयास कर रही है। मायावती समझ चुकी हैं और सब ये जानते हैं कि अब महज MY समीकरण जो है यानी मुस्लिम यादव फैक्टर वो चलने वाला नहीं है, इससे इसको हासिल करने के बाद आप सिरमौर नहीं बन सकते, ऐसे में स्वर्णों को मिलाना होगा। यही वजह है कि मायावती ने पूरा एजेंडा अपना बदला और सर्वहिताय सर्व सुखाय का एजेंडा लेकर आई और सबको साधने की कोशिश वो लगातार कर रही हैं, चाहे वो SC ST हो, स्वर्ण वर्ग हो या फिर अब जाट सियासी समीकरण हो। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा ने लगातार पूरे देश में उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जगहों पे ऐसी राजनीति, रोजगार, विकास, इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। जो जाति समीकरण था वो भाजपा ने सबका बिगाड़ रखा है। जाति समीकरण पे अब भाजपा ने ये तय कर दिया है, भाजपा ने ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक आईना और एक रास्ता ये दिखा दिया है कि अब वो जाति समीकरण पे चुनाव लड़ना या छोटी जाति बड़ी जाति या तो MY समीकरण, ये सारे समीकरण को भाजपा ने बिगाड़ रखा है। अभी ने कुछ अलग करने का प्रयास करना चाहिए और वही प्रयास कर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि भाजपा ने सबका खेल खराब कर रखा है। अब जाति समीकरण पे चुनाव लड़ पाना, जीत पाना और सत्ता पे हावी हो पाना बड़ा। शुक्रिया आपका अरमान मलिक जुड़ने के लिए।